हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी गाइस बहुत अच्छा हूँ, खुश हूँ। फाइनली आज हम जाएंगे HCL बेंगलुरु में, तो आप लोग को दिखाने वाला बहुत सारा हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट। अभी बेंगलुरु में बहुत मजा आने वाला है। ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा, और अगर होगा तो कर्नाटक में या इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में नहीं मिलेंगे। तो आज बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है, तो आप लोग मेरा वीडियो में लास्ट तक रखना, क्योंकि बहुत खतरनाक वीडियो होने वाले, बहुत मजा आने वाला है। आप लोग को बहुत सारे चीज़ दिखाऊंगा, बहुत सारा एक्सप्लोर करेंगे गाइस। तो चलो लेट्स गो। इस बेंगलुरु का बारिश मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब भी वीडियो बनाने निकलता हूँ तब देखो बारिश आने लगता है। तो अभी फिलहाल हम उस पार में जाएंगे, क्योंकि बस वहाँ पे वहाँ से पकड़ के जाना पड़ेगा। तो चलो भाई चलते हैं उस साइड में, रास्ते के उस पार जाएंगे, क्योंकि वहाँ से बस स्टॉप, तो वहाँ से जाना पड़ेगा। और गाइस देख सकते हो कर्नाटक स्टेट में कितना डेवलप करके रखा हुआ है। नॉर्मल फ्लाई ओवर में देखो ये एलिवेटर यूज कर रहे हैं, तो एलिवेटर फिट करके रखा हुआ है। और देख सकते हो ये बहुत ब्यूटीफुल एक फ्लाई ओवर ब्रिज है। तो और इस तरह से नज़ारा देख सकते हो। फाइनली हम आ चुके हैं बस स्टॉप, तो वहाँ पे देख सकते हो सभी ने वेटिंग कर रहा है बस का। तो अभी हम भी वेट कर रहे हैं बस का, देखते हैं कब तक आते हैं। फाइनली गाइस आ गया बस, तो ये बहुत भीड़ है, इसमें नहीं जाएंगे। लीजिए, थैंक यू भैया। तो गाइस ये है टिकट काउंटर, ऐसे टिकट लेना पड़ेगा, तो अभी लेते हैं। गाइस देख सकते हो यहाँ पे पूरा टिकट का सब लगा हुआ है। एडल्ट के लिए 50 और स्टूडेंट और चाइल्ड के लिए 30 रुपीस, और आपको 3 आवर्स फ्री है। ये रहा टिकट, तो अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे। इतना बारिश हो रहा है गाइस, कैसे अंदर जाऊँ? तो ये अम्ब्रेला ओपन करो, चलो बोल सर। दो थैंक यू सर। थोड़ा सा देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, और ये है फ्रंट साइड म्यूजियम का। और गाइस अभी फिलहाल हम आया है जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखा हुआ है, तो आप लोग को एक एक करके दिखाएंगे और डिटेल्स भी बताएंगे। और ये देख सकते हो गाइस, ये है MiG-21, और इसका फ्यूल कैपेसिटी है 4,465, और इसका मैक्स स्पीड है 2230 पर आवर। एंड इसका देख सकते हो और एक रेंज, मैक्स रेंज है 2100, देख सकते हो। और यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ है, देख सकते हो गाइस। और गाइस देख सकते हो अंदर में इस तरह से बना के रखा हुआ है, और यह है इंजन, और ये पूरा यहाँ पे भी देख सकते हो। वाओ, और गाइस देख सकते हो ये है HPT-32, इसका मैक्स स्पीड लेवल है 268 एंड इसका मैक्स रेंज लेवल है 815, और ये दूसरे एयरक्राफ्ट के मामले बहुत छोटा है, देख सकते हो। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा इंजन रखा हुआ है एयरक्राफ्ट का, आप लोग देख सकते हो। आप लोग को दिखाएंगे लास्ट तक, आप लोग को एक एक करके। और इसका नीचे पूरा नोटिस बोर्ड रखा हुआ है, कितना स्पीड है, कितना क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और भाई यहाँ पे आके कैसे लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, मस्त एकदम बिंदास, बहुत मजा आया कसम से, क्या ही बता, बहुत मजा, बहुत अच्छा से एक्सप्लोर कर पाया। और आप लोग भी कभी भी इधर घूमने जरूर आना। हाँ बिल्कुल जरूर आना, बहुत मजा आएगा एक्चुअली। और बहुत ग्रीन है, और देख सकते हो
और बारिश भी हुआ है कुछ टाइम पहले, और बारिश तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जब भी वीडियो बनाने निकलता हो तब भी देखो बारिश आ जाता है। तो गाइस हम लोग बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया, तो आप लोग हमारा वीडियो और गाइस देख सकते हो, ये है सिया किंग MK42। इसका मैक्स स्पीड है 208 और इसका फ्यूल कैपेसिटी है 3636 और इसका रेंज है 1525। बिल्कुल सब्सक्राइब करना आप लोग, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हो गाइस, तो आप लोग तो बनता है, आपको सब लोग बनता है, तो आप लोग भी हमारा चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम बारिश में भीग भीग के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको हक बनता है। और ये है, ये क्या है एक्चुअली, ये साइड और इसका बैक साइड से इस तरह से दिखने को मिलता है गाइस, देख सकते हो, और बहुत जबरदस्त लग रहा है गाइस। और गाइस देख सकते हो ये है हंसा, इसका वेट है 550 kg और इसका डिटेल भी दिया हुआ है, देख सकते हो। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, ये एक्जन कैपेसिटी, एक्जन ही बेच सकता है। मुझे HL में आके बहुत मज़ा आया, बहुत चीज़ एक्सप्लोर कर पाया, क्योंकि वो बहुत ही हमारा गौरव की बात है, और बहुत सारा एयरक्राफ्ट फाइटर जेट को एक्सप्लोर किया, तो बहुत मज़ा आया। तो आप लोग भी अगर कभी मौका, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।